ఠమం వంద కప్కమ్యం కాకరాని ఖే గతో లతయో నమో మహాకారుణి కదుద్సేవిత భవా భవ గివోక నమో అవిద్యాదికిలేల तंसिनो दम वुणे यो शील समाधि पैया विमुक्तियान पबुति युक्त खेतंग जनान कुशल तमरियंग तंगंग शीर्षा नमा मोस्ट वेनरेबल शिवली भंते जी अदर वेनरेबल मॉन्स एंड डिस्टिंग धम्मजीवी स्कॉलर्स, धम्म जीवी स्कॉलर्स हुईन बुद्ध विहार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एस्पेसियली डॉक्टर शीतल मे

चतारी अड़िए सच्चाने में तीन टर्म है चतारी अड़िए और सच्चाने बीच का जो टर्म है अड़िए वह सबसे महत्वपूर्ण है अड़िए को देखते हैं पहले अड़िए का हिंदी में आर्ज होता है संस्कृत में आर्ज कहते हैं अंग्रेजी में नोबल कहते हैं यह अरिये शब्द पाली शब्द है अरिये में दो पद हैं टू टर्म्स है अड़ी एंड अड़ी मीन्स एनिमी शत्रु दुश्मन यीन्स डिस्ट्रॉयर नष्ट करने वाला जो शत्रुओं को नष्ट करने वाला है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाला है वह वा है। वह शत्रु कौन है यह जानना महत्वपूर्ण है वे कौन से शत्रु हैं, जिनको छिन्न भिन्न करना है जिनको नष्ट करना है जिन पर हमें विजय प्राप्त करना है ये जो शत्रु हमारे बाहर के नहीं वे शत्रु हमारे अंदर के वे शत्रु हमारे राग हैं वे शत्रु हमारे द्वेष हैं वे शत्रु हमारे क्रोध हैं, वे शत्रु हमारे अहंकार हैं वे शत्रु हमारे ईर्ष्या हैं, जितने भी अकुशल धर्म हैं, जितने भी जो विकार हैं जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं वे हमारे शत्रु हैं वे हमारे दुश्मन हैं। उन शत्रुओं को नष्ट कर देना ही हमारा लक्ष्य है और उन शत्रुओं को जो नष्ट कर देता है वही अर्य है यानी जिन्होंने राग को नष्ट कर दिया जिन्होंने द्वेष को हटा दिया जिन्होंने मोह को हटा दिया जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है जिसके अंदर क्रोध नहीं है जिसके अंदर अहंकार नहीं है वही अर्य है और जो अर्य हो जाता है वह सत्य का साक्षात्कार कर लेता है और वही सत्य आगे देखेंगे चार बतलाए गए हैं इसलिए चतारी कहा गया लिंग है सत्य इसलिए सच्चानी है इसलिए चतारी आया है पुलिंग रहता था चतारो आता स्त्रीलिंग रहता तो चतस्वता है चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए चतारी शब्द का प्रयोग किया गया चारी अरिय सच्चा तो चार सत्य है चतारी सच्चानी, और ये चार सत्य जो है इसको जान कौन सकता है वो अरिये ही जान सकता है इन सत्यों को जानने वाला सबसे पहला जो विश्व में जो मानव हुए जिन्होंने भगवान का रूप लिया जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं वह बुद्ध हैं इसलिए फॉर द बुद्ध क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इन सत्यों को साक्षात्कार किया सबसे पहले उन्होंने ही इन सत्यों का खोज किया इसलिए बुद्ध के द्वारा जो ये चार सत्य खोज किए गए हैं साक्षात्कार किए गए हैं और लोगों को उन्होंने जो उपदेश किया इन सत्यों का इसलिए इन चार सत्यों का नाम चार आर सत्य रखा गया आर्य सच्चानी कहा गया और कहा गया अब देखते हैं वे चार सत्य कौन कौन से हैं पहला है दुख सफरी दुख है यह पहला सत्य है कि दुख है दूसरा सत्य है इस दुख का कोई ना कोई कारण है जिसको टेक्निकल टर्म कहा जाए तो दुख समुदाय उसे कहते हैं पहला जो सत्य हुआ दुखंग दुख है दूसरा जो सत्य है दुख समुदाय इस दुख का कारण है कारण नहीं है तीसरा जो सत्य है दुख निरोधरिंग इस दुख को रोका जा सकता है इस दुख को रोक सकते हैं इस दुख का अंत कर सकते हैं बुद्ध यही कहकर चुप नहीं हो गए आगे रास्ता बतलाया आगे मार्ग बतलाया इस दुख को कैसे रोक सकते हैं वही चौथा सत्य है दुख निरोध ए पाथ लीडिंग टू ऑफ एक मार्ग है जो दुख निरोध की ओर ले जाता है दुख के अंत की ओर ले जाता है यही चार सत्य है इन सत्यों को भगवान ने अपने प्रथम उपदेश में इसी काशी में इसी वाराणसी में उन्होंने उपदेश किया था इन चार सत्यों का जो उपदेश सर्वप्रथम भगवान ने जो किया था वह वाराणसी में किया था अपने प्रथम उपदेश में ही किया था जिसे हम धर्मचक्रवर्तन के नाम से जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं यही धर्मचक्र प्रवर्तन में भगवान बुद्ध ने चार आठ सत्यों का उपदेश किया अब एक कर इन सत्यों को हम देखते हैं वे सत्य कौन से हैं जिसे भगवान ने उपदेश किया पहला जो सत्य है अभी हमने देखा कि दुख है अब दुख को समझते हैं शिवली भंते जी ने बताया था सुतमय ज्ञान श्रतमय ज्ञान और चिंतामय चिंतनमय ज्ञान तीसरा जो भावनामय ज्ञान इस पर शिवली भंते जी ने आरंभ में ही बतलाया है। तो दुख क्या है पहले उसको देखते दुख में पहले देखते हैं कि दुख में भी दो टर्म है दु है और ख है दू का अर्थ होता है कष्ट जिसे कहते हैं जो रास्ता कष्टकर होता है उसे दुर्गम कहते हैं जिसे बोध होने में जिसे समझने में कठिनाई होती है उसके लिए हम शब्द का जो प्रयोग करते हैं वह दुर्बोध होता है तो दू का अर्थ जो है वह कठिन के अर्थ में है तो अब दुख क्या हुआ और का अर्थ होता है दु अख ख का अर्थ हुआ सहन करना बियर जिसे कठिनाई के साथ सहन किया जाए उसे हम दुख कहते हैं जिसे हम कठिनाई के साथ अपने आप को महसूस करे उसे हम दुख कहते हैं दुख ख़मती डिफिकल्टी इज जैसे मुझे कोई कांटा चुभोता है तो हमें दुख होता है अगर हमें कोई हम प्रक्रोध करता है तो मन जो है कठिनाई से कष्ट से उसे सहन करता है वही दुख है यह हमारे सामने किन किन रूपों में प्रकट होता है उसे हम देखते हैं यह भगवान बुद्ध का भी कहे हैं पाला ही उपदेश तो दुख जो शुरू होता है जहां हम जन्म लेते हैं वहीं से दुख हमारा आरंभ होता है बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ ही जन्म लेता कोई भी बच्चा हंसता हुआ जन्म नहीं लेता रोता हुआ ही जन्म लेता है तो इसलिए बुद्ध ने कहा जाति पी दुखा जन्म से ही हम दुख का अनुभव करते हैं दुख हमारा वहीं से आरंभ हो जाता है आगे उन्होंने कहा जब बच्चा जन्म लिया फिर बूढ़ा भी वो होगा तो जरा पी दुखा बुढ़ापा दुख है, एजिंग जब बूढ़ा होते हैं तो जानते दांत टूट जाता है आंख से नहीं दिखाई देता है खाना नहीं पचता है तो कई रूपों में दुख हमारे सामने आता है उसके बाद क्या होता है बूढ़ा होने के बाद व्यक्ति मर जाता है मर भी जाति पी दुख जरा पी दुख मरण पी दुख मृत्यु दुख है आसानी से प्राण नहीं निकलता है बहुत कष्ट से प्राण निकलता है क्योंकि प्राण निकलता है वो बोल नहीं पाता तो जो कष्ट से जो प्राण निकलता है वह दुख है तो यह जो और ये जीवन और मरण के बीच में कई प्रकार के रोग आते हैं व्याधि भी दुख हो जो रोग आते हैं वह दुख है तो ये नैसर्गिक दुख है इसे आप बदल नहीं सकते आपने जन्म लिया बूढ़ा होंगे मरेंगे इस बीच में आप रोग कई रोगों के कई व्याधियों के शिकार होंगे लेकिन इस जीवन मरण के बीच में हम कई संबंध बनाते हैं प्रिय बनाते हैं अप्रिय बनाते हैं कुछ लोगों को अपना बनाते हैं कुछ लोगों को पराया बनाते हैं मित्र बनाते हैं शत्रु बनाते हैं जिसे हम प्रिय बनाते हैं अगर वह हमसे बिछुड़ता है वह अगर हमसे अलग होता है तब हमें दुख होता है भी ही विपयोग भी दुखो जिसे हमने अप्रिय बनाया उससे जब हमारा मिलन होता है जब उससे हमारा संयोग होता है तब हमें दुखी होता है अब ही संपयोगों की दुखो इस जीवन मरण के बीच में हम कई प्रकार की इच्छाएं पालते हैं और उन इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तब हमें दुख का अनुभव होता है और ये इच्छाएं जो है अनंत है एक की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है दूसरी पूर्ति होती है तो तीसरी इच्छाएं पूरी हो जाती है इस तरह से इच्छाएं बढ़ती जाती है और वह इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तब तो हमें दुख का अनुभव होता है इसलिए संक्षेप में बुद्ध ने कहा संखीतेन पंचुपादान खा दुख का ये जो शरीर है उसे खंड कहा गया रूप है वेदना है संज्ञा है संस्कार है विज्ञान है इन्हीं स्कंधों से यह मानव शरीर बना है ये स्कंध अपने आप में दुख नहीं है बुद्ध के साथ भी रूप है वेदना थी संखार था विज्ञान था संज्ञा थी बुद्ध के साथ भी पांचों ध थे लेकिन बुद्ध दुखी नहीं थे क्योंकि उनके साथ उपादान नहीं था तृष्णा नहीं थी इसलिए पंच उपादान खंडा थी थे। पंच खंदा पीत खन कहा गया पंच उपादान जब इस खंड के साथ जब इस मानव शरीर के साथ जब उपादान जुड़ जाता है जब तृष्णाएं जुड़ जाती है तब दुख का अनुभव होता है व्यक्ति दुखी होता है तो इस तरह से बुद्ध ने दुख को बतलाया कि इन इन रूपों में दुख हमारे सामने प्रकट होता है कुछ नैसर्गिक है और कुछ प्राकृतिक है और कुछ जो है हमने बनाया है तो जो बनाया है उसे तो हम रोके जब वह रुक जाएगा तो जो पहला जो दुख बुद्ध ने बताया जातिप दुखा जन्म लेना दुख है उससे हमारी मुक्ति मिल जाएगी तो जब अगला जन्म हमारा नहीं होगा तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे यानी निर्वाण मिल जाएगा तो अगला जन्म नहीं होगा और दुख से हमें मुक्ति मिल जाएगी इसलिए कबीर दास ने कहा कबीरा जब पैदा लिया कबीरा जब पैदा लिया जग हसा हम रोए यानी कबीर जब पैदा लिए कह रहे हैं जब मैंने पैदा लिया तो पूरी संसार पे खुशी जगी लेकिन हमने तो रोते ही जन्म लिया कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए दूसरी पंक्ति है ऐसी करनी कर चलो हम हसे ऐसी ऐसे का, काम करो ताकि हमारे प्रस्थान करने के बाद दुनिया हमें याद करके स्मरण करके रोए और हम हंसते हुए यहां से जाए जब हमारे अंदर आगे देखेंगे जो कारण है दुख के उन कारणों को जब हम नष्ट कर देते हैं तब हम इस लोक से जब प्रस्थान करते हैं तो हंसते हंसते प्रस्थान करते हैं हमारे अंदर कोई क्लेश नहीं रहता ये तो हुआ प्रथम आर्य सत्य अब दूसरा आर्य सत्य देखते हैं यह जो दुख जो बतलाया गया है यह अकार नहीं है यह जाति भी दुख भी जर भी जन्म लेना भी जो दुख है वो अभी आ कारण नहीं है हमने ऐसे कुछ कर्म किए थे जिसके कारण हमने जन्म लिया अगर हम निष्काम कर्म किए रहते तो हम इस लोक में आते ही नहीं जन्म लेते ही नहीं जब जन्म नहीं लेते तो ना हमारे साथ जरा होता ना हमारे साथ व्याधि होती व्याधि होता और नहीं मरण ना हम किसी अप्रिय क्योंकि हमने जो जन्म लिया और हमने जन्म क्यों लिया क्योंकि हमने पिछले जीवन में निष्काम कर्म नहीं किया तो इसी को बुद्ध ने बतलाया दूसरे आर्य सत्य में जिसको हम दुख समुदाय कहते हैं देर इज ए कॉज ऑफ अराइविंग ऑफ सफरिंग ये जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है और वह कारण क्या है वह कहते हैं वह कारण कृष्णा है तन्हा है पाली कहते हैं जो तृष्णा है वह दुख का कारण और यह जो तृष्णा है अभी हमने देखा एक बार में शांत नहीं हो जाती एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है उसको बुद्ध से दो में ही देखते हैं या यांग तनहा पनोभविका नंदी राग सहगता तत्र तत्तत्री सीद कामतन विभवतना ये बुद्ध ने बतलाया कि ये जो तृष्णा है यांग या प्लस अयंग अयंग मनी या मनी जो यह जो तृष्णा है कोनो भविका कौन मने पुनः बाडम बाढ़ उपभविका पुनः पुनः बारंबार उत्पन्न होने वाली एक बार यह तृष्णा उत्पन्न होकर नष्ट नहीं हो जाती एक तृष्णा शांत होती है दूसरी तृष्णा खड़ी हो जाती है बारम्बार यह तृष्णा उत्पन्न होते रहती है या यांग तनहा पनोभविका आ इसका लक्षण क्या है नंदी राग सहगता नंदी मन आनंद इसमें लेता है तृष्णा का यह लक्षण है राग से यह होता है वहां वहां अभिनंदन करता रहता है जहां भी तीस आती है लग रही है वहीं हम उसका अभिनंदन करते हैं वहीं उसका स्वागत करते हैं जैसे हम खा रहे हैं खाकर पेट भरा है उसके बाद फिर कोई अच्छी, अच्छी मिठाई आ गई उसके बाद फिर खा लिए उसका अभिनंदन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तब भी हम ले लेते हैं अभिनंदन कर रहे हैं उसका तो छो के साथ ये होता है यहां पर उतना समय नहीं है क्या हम उसका विवेचन करें तो ये उसका कारण कहने का अर्थ है सीद काम तनहा भव तनहा तीन रूप बतलाया गया है काम तरह डिजायर फॉर सेंसुअल प्लेजर इंद्रिय सुख की इच्छा चक्षु सर्वदा अच्छा रूप देखना चाहता है कान अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है नाक अच्छे गंधों को सुनना चाहता है जीवा रसन करना चाहता है अच्छे रसन करना चाहता है का अच्छा स्पर्श करना चाहता है मन जो विचार करता है अपने अनुकूल विचार करना है तो ये जो इंद्रिय सुख की जो इच्छा है उसे काम तना का भवतनहा हम फिर इस श्लोक में आवे ऐसी जो इच्छा है वह भव तनहा और विभव तनहा हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, यह भी एक तृष्णा है निर्वाण मिलेगी या तो कोई बात नहीं उसके पहले जो इच्छाएं जगाए रख रहे हैं तो यह जो विभव तनहा है इन रूपों में तृष्णाएं उत्पन्न होती रहती है हम लोगों के समक्ष प्रकट होती है। ये तो हुआ इन तृष्णाओं के कारण हमें दुख होता अब दुख का कारण तो पता चल गया बुद्ध ने कारण बता दिया अब इसे हम रोकेंगे कैसे कारण जानने से तो कोई लाभ नहीं है हमें तो उपचार चाहिए समस्या से कोई हमसे फायदा नहीं है समस्या का हमें निदान चाहिए उन निदान के लिए बुद्ध ने कहा कि अगर हम इस तृष्णा को रोक देंगे तो हमारा दुख रुक जाएगा और उन्होंने यह भी कहा जैसे जैसे हम तृष्णा को कम करेंगे वैसे वैसे हमारा दुख कम होता जाएगा और वैसे वैसे सुख हमारा बढ़ता जाएगा जब तृष्णा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तो दुख भी पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा और सुखी सुख इस जीवन में होगा सहसंग भी पियंग, दुखं भी सहसन अगर आपने हजार तृष्णाएं पाल रखी है अगर आपने हजार प्रिय बना रखा है तो दुख भी हजार सतंग भी पियंग दुखंग भी सतंग अगर सौ प्रिय है आपके पास सौ तृष्णा हैं तो दुख भी सौ है एकंग पियंग दुखंग भी एक में अगर आपके पास एक प्रिय है तो दुख भी एक ही है नियंग दुखं नथी अगर आपके पास तृष्णाएं नहीं है तो आपके पास दुख भी नहीं है सीधा संबंध है जितनी तृष्णा उतना दुख और तृष्णा और सुख का संबंध उल्टा है जितनी कम तृष्णा उतना अधिक सुख जब तृष्णा बिल्कुल नहीं तो सुख ही तो सुख इसलिए तनहाय नि का पूर्ण निरोध है वही निर्वाण है इसलिए बुद्ध का जो तीसरा आर सत्य है दुख निरोध वह निबाण है दुख निरोधो तीन जो दुख का निरोध है तो तीसरा आरसत है वही निर्माण है यही बौद्ध धर्म का लक्ष्य है कि हम परम सुख को प्राप्त करें दुख का पूर्ण रूप से नाश कर दें अब वही तीसरा आरसत हुआ दुख निरोध तो दुख निरोध के लिए कहा गया यो तस्सा ये तना अशेष विराग निरोधो जागो पटिनी सगो मुक्ति अनालो यह जो तृष्णा का अशेष कारण शेष नहीं शेष मन होता है रिमेनिंग अशेष रिमेनिंग नहीं एंड कंप्लीट कंप्लीट सेशन ऑफ सपरिंग कंप्लीट सेशन ऑफ डिजायर इज द कंप्लीट सेशन ऑफ ये अशेष विराग राग रहित हो जाना अशेष निरोधो पूर्ण रूप से निरोध कर देना किसका तनहाय त्रिष्णा का यो तस्सा तनहाय अशेष विराग राग रहित हो जाना तृष्णा का निरोध हो जाना रोक देना जागो त्याग कर देना पूर्ण रूप से उस तृष्णा का सब सिम स्वर्ड पटीनिशर्गो प्रतिनिषर्ग कर देना हटा देना मुक्ति मुक्ति पा लेना उस तृष्णा से अनालियो उसका नष्ट कर देना ही दुख निरोध है कहने का अर्थ है जो तृष्णाएं हैं उन तृष्णाओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना ही दुख निरोध है वही निर्माण है ये बुद्ध ने बताया फिर आगे देखते हैं कि इस कहने से तो तृष्णाएं नष्ट होगी नहीं तो बुद्ध ने कहा इसके लिए एक मार्ग बतलाया इस मार्ग पर चलोगे तो धीरे 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 करके तृष्णाएं तुम्हारी शांत हो जाएगी तृष्णाएं नष्ट हो जाएगी तो वो मार्ग जो है वही चौथा आर्य सत है दुख निरोध गामनी पटिपदा दुख निरोध की ओर दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग उस मार्ग को हम लोग मध्यमा पटिपदा कहते हैं मिडिल पाथ कहते हैं मध्यम मार्ग कहते हैं तो मध्यम मार्ग है इसका मतलब है कि दो अंत है दो छोर है दो किनारा है दो एक्सट्रीम्स हैं। तो वे दो एक्सट्रीम्स क्या है कामे काम सुखल का अनुयोग दूसरा कहा गया अत गिल मधान योगा। कामेश काम सुखल का अन का अर्थ हुआ इंद्रिय सुखों में लिप्त रहना और दूसरा कहा गया अच्छा यानी काय कलेश में लगा रहना जैसे कुछ लोग जैसे बुद्ध भी बुद्धत प्राप्ति के पहले उपवास पर थे उपवास में रहते रहते उनको फिट आ जाता है उसके बाद उन्होंने उपवास छोड़ते हैं और फिर से भोजन ग्रहण करना शुरू करते हैं तो ये जो अंत है एक ये आज पर खाना नहीं खाएंगे हमें उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा जैसे कुछ धर्म में है कि बाल को जो है काटते नहीं है बाल को छीलते उखाड़ते हैं कष्ट मिले तब हमें ज्ञान मिलेगा बुद्ध कहते हैं ये सब बेकार की बात है इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होना है जो इंद्रिय भोग एक है कामेश काम शुक्ल का अनुयोग उससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है और ये जो अदकिल मथानु योग है उससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं होना है दोनों ही दुखदायक है दोनों से ही तुम्हें की प्राप्त नहीं होगी दोनों से ही दुखों का अंत नहीं होगा दोनों से ही तृष्णा का अंत नहीं होगा और दोनों से आप परेशान रहोगे तो उसके लिए बुद्ध ने कहा कि एक मध्यम मार्ग है तथा अभिसंबुद्धा जिसे तथागत के द्वारा सम्यक रूप से खोज निकाला गया है तथागत अभिसम बुद्धा चक्ु करनी वो कैसा है आंख देने वाला है इनसाइट अंदर का बोध कराने वाला है ज्ञान करनी ज्ञान कराने वाला है चक्खु करनी यान करनी उपसमाया वह उपसम के लिए है शांति के लिए है अभिज्ञा के लिए है विशेष ज्ञान के लिए है संबोधाएं संबोध के लिए अच्छी तरह से बोध कराने के लिए है और निर्वाण के लिए है ये बुद्ध ने कहा कि ये जो हम मार्ग बता रहे हैं अगर उस मार्ग पर मध्यम मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है उसी से सुख की प्राप्ति संभव है वह मध्यम कहते कतमा चल सहा मध्यमापट पता वह मध्यम मार्ग क्या है कहते अठंगिको मग्गो यही आर्ज अष्टांगिक मार्ग है जिस पर चलकर हमारा कल्याण संभव है तो वो आर्ज अष्टांगिक मार्ग क्या है समा दिठ्ठी सम्मा, सम्मा संकपो सममा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजियो सम्मा वायामो, सम्मा सती सम्मा समाधि यानी सम्यक दृष्टि हमारी जो दृष्टि हो वह सम्यक हो में दृष्टि मतलब राइट व्यू व्यूइंग द थिंग एज इट इज जैसा है उस रूप में देखना ही सम्यक दृष्टि है तो कैसा है कि हर चीज अनित्य है सब्बे संखार अनिच्छा सब्बे संखारा दुखा सबे सब धम्मा अनत्ता सभी वस्तुएं अनित्य हैं, नष्ट होने वाला है कोई भी नित्य नहीं है सब चूंकि नष्ट होने वाला है अनित्य है इसलिए वह दुखदायक है लेकिन हम उसको नित्य समझते हैं इसलिए उसमें हम सुख खोजते हैं आत्मवान समझते हैं तो अनित्य दुख अनात्म के रूप में समझना ही सम्यक दृष्टि है लेकिन यह दृष्टि कैसे डेवलप होगी यह दृष्टि आएगी कैसे तो उसके लिए आगे के सात उपाय बताए गए हैं तो वे जो सात उपाय हैं वे सात जो अंग हैं तो उसका जो अगला जो अंग है सम्यक दृष्टि के बाद वह सम्यक संकल्प हम संकल्प लें क्या संकल्प लें तो संकल्प में कहा गया अव्यापार संकल्प अभिहिंसा संकल्प हम नेखम ने हम, हम गृह त्याग करेंगे यानी कहने का मतलब है हम त्याग की भावना जगे अभिहिंसा, हिंसा नहीं करे ऐसे अभिहिंसा कहा गया अहिंसा नहीं का, अभिहिंसा यानी हम मन से भी हिंसा ना करे ऐसा संकल्प ले अव्यापार द्वेष भाव ना रखे ये जो संकल्प है ऐसा संकल्प लेंगे पहले यानी सम्यक दृष्टि के लिए कहा जा रहा लक्ष्य क्या है तो हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त करनी है कैसे प्राप्त करनी है तो हम ये संकल्प लेते हैं उसके आगे क्या करेंगे सम्यक वचन संकल्प ले लिए इस संकल्प की प्राप्ति कैसे होगी अब इस संकल्प की प्राप्ति के लिए कहा गया सम्मा वाचा सम्यक वचन सम्यक वचन क्या है मिथ्या वचन से अलग रहना तो मिथ्या वचन क्या है झूठ नहीं बोलेंगे निंदा नहीं करेंगे कठोर वचन नहीं बोलेंगे व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे ये चार सम्यक वचन है इसके आगे उन्होंने बताया सम्यक कर्मांत कर्मांत कहा कर्म नहीं कहा क्योंकि कर्म जो है तीन हैं कायकर्म, वची कर्म मनोकर्म मनोकर्म कर लिए हैं संकल्प ले चुके हैं भी कर चुके हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे निंदा नहीं करेंगे कठोर वचन नहीं बोलेंगे फिर की बातें नहीं करेंगे अब जो तीसरा जो काय कर्म है वहीं पर कर्म जाकर समाप्त हो जाता है इसलिए कमंतो कहा गया कर्मांत कहा गया क्योंकि अगर कर्म कहेंगे तो तीनों आ जाएगा मन से भी आ जाएगा वचन से भी आ जाएगा काय से भी आ जाएगा कमंतो का अर्थ हुआ केवल काय से कर्म तो काय क्रम तीन प्रकार के जो मिथ्या कर्म है उससे अलग रहना ही सम्यक कर्मांत है हिंसा नहीं करेंगे चोरी नहीं करेंगे वही विचार नहीं करेंगे ये जो तीन काय कर्म है यही सम्यक कर्मांत है उसके बाद सम्यक आजीविका है जो हमारा आजीविका का जो साधन हो वह सम्यक हो वह उचित हो वह अच्छा हो किस, जिससे किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं हो विस्तार से हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है सम्यक कर्मांत के बाद सम्यक आजीविका आजीविका भी हो गया सम्यक व्यायाम सम्यक व्यायाम का अर्थ हो गया राइट ए फूड तो कुशल धर्म भी है अकुशल धर्म भी है तो जो अकुशल धर्म है हमारे अंदर प्रवेश कर गया है तो प्रयास होना चाहिए कि वे अकुशल धर्म हमारे अंदर से बाहर निकले और जो अकुशल धर्म हमारे अंदर नहीं है तो प्रयास होना चाहिए कि वे अकुशल धर्म हमारे अंदर न आवे जैसे हिंसा अकुशल धर्म है अगर हम नहीं करते हैं तो प्रयास हो कि आगे भी ना करें अगर झूठ बोलते हैं वो अभी अ धर्म है अगर हम बोलते हैं तो प्रयास हो कि हम आगे से झूठ न बोले उसी तरह से कुशल धर्म को कहा गया जो कुशल धर्म हमारे अंदर नहीं है तो प्रयास हो वह कुशल धर्म हमारे अंदर आवे जैसे सत्य जो है कुशल धर्म है नहीं बोलते हैं तो प्रयास होना चाहिए कि सत्य वचन हम बोले और जो कुशल धर्म हमारे अंदर ऑलरेडी है जैसे दान देने की प्रवृत्ति किसी को सहयोग करने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है तो वह और बढ़े और विकसित हो तीन चार प्रकार का जो प्रयास है वह सम्यक व्यायाम है उसके बाद सम्यक स्मृति जागरूक रहना जागरूक रहना अगर हमारे अंदर जैसे भंते जी सुली भंते जी ने बताया सती संपर्द की बात बताया कि हम हमें जागरूक रहना है कि हमारे अंदर अकुशल धर्म का प्रवेश ना हो जाए और कुशल धर्म जो हम संचित कर रहे हैं वो हमसे बाहर ना निकल जाए यानी कुशल धर्म हमारे साथ रहे कुशल से हम उससे हम विरक्त हो उससे हम मुक्ति पाए ये जो है इसके प्रति जो जागरूक रहना एकदम अटेंटिवनेस जो है जो अटेंटिव रहना हमेशा जो है अलर्ट रहना वही जो है माइंडफुलनेस है राइट right माइंडफुलनेस उसी को कहते हैं सम्यक स्मृति कहते हैं और जब ये बातें आ जाएगी तो धीरे धीरे मन हमारा खुद एकाग्र हो जाता है वही सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता राइट right कंसेंट्रेशन तो खुद एकाग्र इसलिए नहीं होता है कि हमारे अंदर जो ऊपर वाले जो बताया गया है वो हमारे अकुशल धर्म उसको घेरे रहता है वो कुशल धर्म के से हम घिरे हुए हैं तो कहाँ से कुशल चित्त का एकाग्रता होगा तो इसलिए जब हमारे अंदर इस क्रम से बताया गया अगर उसका हम पालन करेंगे तो हमारा धीरे धीरे हमारा एकाग्र होगा ऐसा नहीं कि पहले हम ध्यान पर ही बैठ जाएं और कहें हमारा ध्यान नहीं लग रहा है कैसे लगेगा जब असत्य बोल रहे हैं जब हिंसा कर रहे हैं कठोर वचन बोल रहे हैं क्रोध ईर्ष्या रख रहे हैं कहाँ से होगा वह संभव नहीं है तो ऊपर के जो गिनाए हुए जो सम्यक दृष्टि को छोड़कर असम्यक संकल्प को छोड़कर बाकी जो आप सम्यक वचन हुआ सम्यक क्रमांत हुआ सम्यक आजीविका हुआ सम्यक व्यायाम हुआ सम्यक स्मृति हुई अगर इसको हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो है चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी और चित्त जब हमारा एकाग्र एक हो जाएगा मन एकाग्र हो तो जाएगा तब हमारा कल्याण ही कल्याण है वहीं से हमारा निर्वाण का जो है द्वार खुल जाता है और हमारे अंदर के जो राग है द्वेष है क्रोध है मोह है अहंकार सब नष्ट हो जाते हैं तृष्णाएं से मुक्ति मिल जाती है दुख से मुक्ति मिल जाती है परम सुख निर्वाण का हम साक्षात्कार करते हैं इसलिए चार सत्यों को बुद्ध ने केवल बताया बताया तो उस भिक्षुओं को निर्वाण नहीं मिला इसलिए निर्वाण नहीं मिला क्योंकि वह केवल सुतमय ज्ञान था सुन कर कर उसका ज्ञान हुआ था लेकिन वह ज्ञान भावना में जब तक नहीं उतरेगा तब तक उसको निर्वाण नहीं मिलेगा इसी बार में बुद्ध ने ती परिवर्तन द्वादशा कारण बताया कि दुख है ये जानना चाहिए पर पढ़िए यंग फिर आगे कहे पढ़ी आतंक यह जान लिया गया है दिस ट्रुथ हैज बिन अंडरस्टूड यह जान लिया गया है जब इसे हम जान लेंगे तब वो हमारा अपना हो गया वो हम भावना के अस्त्र पर उतारना पड़ेगा उसके बाद क्या दुख समुदय तृष्णा है का जो है वह नष्ट होना चाहिए और नष्ट कर दिया गया है पात प्रहान करना चाहिए नष्ट करना चाहिए अपहीन वह परहीन हो चुका है ये ज्ञान होना चाहिए कि ये इसको केवल जानने से नहीं होगा उसके भावना के अस्त्र पर उतार करके वह हमारा अपना हो जाए तो उसे हमारा लाभ मिलेगा तो वह तृष्णा नष्ट हो गई है यह बोध हो जाए तब तो हमारा उसका कल्याण होगा फिर तीसरा है सच्ची असच्ची तक ये दुख निरोध का साक्षात्कार करना चाहिए दुख निरोध निर्माण यानी ये निर्माण का साक्षात्कार करना चाहिए और साक्षात्कार कर लिया गया और दुख निरोधगाम पटपदा का कहा गया भावे तपंग भावी तक इसकी भावना करनी चाहिए जीवन में आचरण करना चाहिए आज जीवन में आचरित हो चुका है आज जीवन में आचरित हो गया तब तो जो है पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान मिल गया निर्वाण मिल गया सभी अड़हंत हो गए और यही चार आरसत है इन ये चार आरसत जो है भगवान बुद्ध का मूलभूत उपदेश है इससे ही पूरा आचरण संबंधी बातें हैं जब इसका कुछ भी अगर हम अपने जीवन में आचरण करेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है हमारा कल्याण तो है ही हमारे साथ में रहने वाले आस पड़ोस का भी कल्याण है पूरे समाज का कल्याण है राष्ट्र का कल्याण है बहुत सब मंगल साधु 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 थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल

Uh, हमारे फोरम पे आए और आप हमारे साथ धम्म बहुत ही सुंदर रहा uh, तो मैं आपको साधुवाद देना चाहती थी और uh, एक जैसे हम भगवान बुद्ध कहते हैं तो जो हमारे मन में इतने सालों से हमारा पगड़ा है दूसरे uh, संस्कृतियों का और दूसरे धर्म uh, का बोलिए और जिस तरह से हमारी uh, हम जिए है इंडिया में राइट और अभी भी तो भगवान नाम सुनकर ही हमारे मन में कुछ और विचार आने लगते हैं तो आ, तो हम जैसे हम पाली साहित्य पढ़ते हैं तो भग्ग रोग हो ये भगवान का डेफिनेशन दी है तो आ, इस पे आप कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे सर जी जी देखिए बुद्ध ने कहा कि ये बुद्धा अतीचाचा ये च बुद्धा अनागता बुद्धा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं अकेला बुद्ध हूं। अतीत में भी बुद्ध हुए हैं भविष्य में भी बुद्ध होंगे वर्तमान में भी जो बुद्ध वचन कर रहे हैं उन सब को प्रणाम है उन सब का वंदन है तो कहने का अर्थ है जिस किसी ने भी राग को हटा दिया जिस किसी ने भी द्वेष को हटा दिया जिस किसी ने भी मोह को हटा दिया वह बुद्ध बन गया और उसके सारे विकार नष्ट हो गए वो कल्याण ही कल्याण करेगा वही भगवान है वही भगवान है सीधी सी बात है ये कहीं भी देखे नहीं नहीं गया बुद्धं सरनम का छामी कहा जिस कहीं नहीं कहा गया गौतम बुद्धं सरणम गी कही बुद्ध ने नहीं कहा गौतम बुद्ध की शरण जाता हूं बुद्ध की शरण जाओ जो जो कुछ भी प्रकाशमान हो गया है जिसने भी राग हटा दिया है जिसने भी द्वेष हटा दिया है मोह हटा दिया है वह तुमको सही रास्ता दिखाएगा तो उसकी शरण में जाओ वही भगवान है बहुत बहुत साधुवाद सर थैंक यू थैंक यू शीतलता रमेश प्रसाद जी Uh, if any one of you have questions for Professor Ramesh Prasadji, please raise your hands. और okay. um, yeah, yeah. so, <laughs> एक था कि अपन जो भी लेते हैं उसमें जो निगेटिव क्या बोलते हैं नकारात्मक भावना से अपन लेते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा तो उसमें पॉजिटिव से अपन क्यों नहीं बोलते सर क्योंकि कि मैं मारूंगा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा ऐसा नकारात्मक पंचशील क्यों है पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब जो पॉजिटिव चीज है ना सर तो उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है जैसे कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है क्या उसे कहेंगे कि सत्य बोलो वो तो खुद सत्य बोल रहा है तो जो गलत बोलता है ना जो झूठ बोल रहा है तो उसे हम मना करेंगे ना कि तुम झूठ मत बोलो जो सही रास्ता पर चल रहा है उसको क्यों कहेंगे कि उसको क्या बोलेंगे वो तो सही रास्ता पर चल ही रहा है जो गलत रास्ता पर चल रहा है उसे कहेंगे ना कि सही रास्ता पर चलो इसलिए बुद्ध ने जब उपदेश देते हैं तब ने कहता है लोग जैसे आ, अंधे को आग दिखा दिया ढके को उघाड़ दिया है ना तो, तो इसलिए वो कहा गया अब जैसे हिंसा कर रहा है हम तो उसको कहेंगे हिंसा मत करो जो हिंसा कर ही नहीं रहा है उसको क्या कहेंगे वो तो सही रास्ता पर चल ही रहा है इसलिए ये कहा गया अकुशल धर्म से जब हम अलग हट जाएंगे तो हमारे अंदर तो खुद ही कुशल कुशल धर्म है तब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है तो तो हम खुद ही भगवान हो गए भगवान हम तब नहीं है जब हमारे अंदर कुशल से हम अलग हट रहे हैं अब कितनी मात्रा में हट रहे हैं यह निर्भर करता है जो जितनी मात्रा में हमने हटा उस मात्रा को हटाना होगा क्योंकि तो उतनी मात्रा से हमने कुशल धर्म से अलग है अकुशल की ओर जा चुके हैं तो उस अकुशल को हटा करके फिर हम कुशल की ओर आवे इसलिए ऐसा कहा जाता है वो पेसिमिस्टिक नहीं है वो गलत नहीं वो तो गलत से सही रास्ते की ओर लाने के लिए कहा जा रहा है ना धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा थैंक यू ओके वी हैव रितेश सम्मा वाज अ क्वेश्चन रितेश प्लीज गो अहेड You can unmute yourself and ask the question, please. यस 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 ऑडिबल जी 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 या सर आपने तो सु के बारे में मतलब काफी बताया लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन है क्या कि मतलब जो धम्मा के आपने कुछ सुत्त बताए वो सिर्फ अपन मतलब पाली भाषा पढ़े या कुछ लैंग्वेज पढ़े उसके बाद ही समझेंगे या आप मतलब बताए अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ बुद्ध एंड धम्मा मतलब इसमें काफी चीजें मतलब अभी मैं दो तीन बार भी पढ़ाऊ लेकिन आपने जो पढ़ाया वो ऐसा लग रहा है कि आ, मतलब वहां पे भी जिसने पढ़ाऊंगा उसको समझा गया पता नहीं क्योंकि ये सब चीजें उसमें दिखी नहीं तो मोस्टली हम ज्यादा से ज्यादा बुद्धा धम्मा से ही मतलब ज्यादा समझते है जी, और, जी सर, हा, हा, हम आपको सर बताए हम जो है ना YouTube पर अगर जाएंगे उसे प्रोफेसर रमेश प्रसाद अगर टाइप करेंगे तो प्रोफेसर रमेश प्रसाद करके यूट्यूब पर मेरा चैनल है सर हाँ हाँ तो उसमें पूरा मैंने बुद्ध स्रूर से शुरू से शुरू किया है सर जीवनी से उनका हाँ हाँ लगभग जो है अभी धमपद पर चल रहा है धमपद की गाथाओं पर चल रहा है ओके हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें अध्यात्म तो की भी कुछ बातें हैं हाँ, सौ से अधिक वीडियो है तो एकदम हाँ जैसे हम लोग बातचीत करते हैं और एक एक दमको अच्छे ढंग से वहां समझाने का हमने प्रयास किया है सर तो YouTube पर जाकर देखें सर प्रोफेसर रमेश प्रसाद देखेंगे तो खुद आ जाएगा हाँ सर ओके तो सर मैंने मतलब समझ तो आ गया है लेकिन मेरे को बेसिक क्वेश्चन ये है कि अपन ने मतलब मोस्टली एक फंडामेंटल बताया आपने कि जन्म दुख है जी लेकिन सर हम इतने जन्म देखते हैं और, और सीनियर जूनियर सब टाइप के वैरायटी दिखते हैं जी बट जन्म के बाद हम खुशियां मनाते कोई सोच में नहीं आता कि दुख का कारण है वगैरह वगैरह तो मेरे को कभी कभी मतलब देखो सब हम सेलिब्रेट करते रहते हैं और मृत्यु होता है तो दुख करते हैं मतलब कोई अपना प्यारा तो मैं इससे थोड़ा सा ये समझ रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या मतलब देखो मतलब जो अपन देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन होता है हर बर्थडे अपना सेलिब्रेशन भी होता है जो उम्र होती है फोर्टी ईयर या फिफ्टी ईयर जैसा जैसा होता है लोग सेलिब्रेट ही करते रहते हैं एंड डेथ रहता है तो थोड़ा सा वगैरह हो होता है तो ये मैं ही सोच रहा था कि जनरली कल्चर में इतना है कि वो सभी लोग करते हैं मतलब अपनी कम्युनिटी बोलो या हर कम्युनिटी करती तो है ठीक है सर हाँ हाँ ये अभी एक उत्सव है ना सर उसी बहाने ये होता है करते हैं ठीक है एक साल हम बड़े हो गए लेकिन सत्य तो यही है कि एक साल हम छोटे हो गए हाँ राइट राइट जन्म तो 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 अस्सी साल है तो वही कर अनित्य लेकिन हम नित्य समझ रहे हैं नित्य समाज हाँ। रहे हैं चिपक रहे हैं हाँ 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 राइट राइट तो देखिए वास्तव में ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न है वो हम एक साल घट रहे हैं हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक साल बढ़ रहे हैं हमारी उम्र तो एक साल कम हुई हाँ। अगर हम साठ के मैंने अगर हमारी आयु 60 वर्ष है तो एक साल तो हमको फिफ्टी हो गया हमारा फिफ्टी हो गया लेकिन हम हाँ। कह रहे हैं कि नहीं आगे की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन आगे, आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी उम्र घट रही है हाँ सर जैसा उम्र घट रही रहती है और जैसे हम ओल्ड होते हैं तो पेन वगैरह बॉडी पेन काफी चीजें दुख की तो तो आएगी, आएगी ही लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मनाना चाहिए मनाना चाहिए सर मूल चीज बुद्ध ने इस सब चीज से मना करने को नहीं कहा उसको मनाते रहना चाहिए प्रसन्न रहना चाहिए लेकिन हमारे अंदर राग द्वेश कलेश नहीं करना चाहिए राइट 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 अहंकार नहीं जगना चाहिए ऐसा नहीं अब उत्सव मना रहे हैं ये अहंकार के लिए नहीं दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए सर मन की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए ये अब आ... तो वो उतना कर रहा है कि हम उससे बड़ा करके दिखाएंगे वो अहंकार भाव आ गया तो बेकार है सर yes, प्रसन्नता yes. असली प्रसन्नता नहीं है वो तो दिखावा हो गया सर मन का अहंकार हाँ. हो गया अहंकार भाव नहीं जगना चाहिए और एक बेसिक क्वेश्चन सर मतलब सबको रिलेवेंट भी नहीं होगा मैं जनरली अवॉइड करता ये क्वेश्चन लेकिन कल एक डिस्कशन में था और कुछ लोगों ने मतलब एक सर है हमारे ट्वेंटी टू अवर्स के तो किसी ने मतलब आज मतलब कैसा है महाराष्ट्र में लोग अभी काफी जी है और उपासक है और विहार भी है तो एक क्वेश्चन आया था रिवर्क के ऊपर वो थोड़ा सा कुछ बोल रहे थे मैंने कुछ बोला नहीं uh, मैं सुन रहा था तो समाउ दे टाइप टू मतलब वो ऐसा हाईलाइट कर रहे थे कि रिबर्थ का कंसेप्ट इज नॉट देयर मतलब लेकिन मेनी बुद्धिस्ट थे मायाना में रिबर्थ एंड मतलब आई एम नॉट will कम अक्रॉस दिस

फुटपाथ ब्राह्मण हाँ। जाता है भगवान बुद्ध से दस प्रश्न करता है सस्तो लोक तीवा असस्तो लोक तीवा है ना हाँ हाँ अंत लोक तीवा अनंत लोक तीवा तन जीवंग तन शरीर तीवा अयंग जीवंग अयंग शरीर तीवा होती तथागतो गो न होती तथागतो गो होती च न चो होती तथागतो गो पर मरना होती न न होती तथा गो पर ये दस प्रश्न भगवान बुद्ध से ये दस प्रश्न किया था बुद्ध ने कहा तुमको बहुत फायदा ही नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो उसी है उसी की तरह है। किसी को जहरीला जो है बान जो है लगा है जहरीला लगा हुआ पटा रहा है। कोई उसको निकालने जा रहा है बाण को तो अब वो कहे कि नहीं नहीं मेरी बाण को मत निकालो पर ये बतलाओ कि बाण किसने मारा ब्राह्मण मारा क्षत्रिय मारा वैश्य मारा कि शुद्ध मारा पुरुष मारा कि महिला मारा बाण पूर्व से आया कि पश्चिम से आया कि उत्तर से आया कि दक्षिण से आया नाटा मारा कि लंबा मारा गोड़ा मारा कि काला मारा क्या होगा वह पूरे शरीर में फैल जाएगा और वह मर जाएगा और उसको उत्तर नहीं मिलेगा तो बुद्ध ने कहा कि पहले तुम बांध निकालो उसके बाद तुम खोज करते रहो तो यही बुद्ध का है तुम दुखी हो पहले दुख से बाहर तो निकलो जब दुख से बाहर निकल जाओगे कहने का अर्थ है तृष्णातीत हो जाओगे तृष्णा से तुम बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें तो खुद ही दिख जाएगा कि आत्मा है कि आत्मा नहीं है तुम्हें खुद बोध हो जाएगा अभी तो आवरण है अविद्या का मैं बताऊंगा भी, तभी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा तुम स्वीकार ही नहीं करोगे इसलिए बुद्ध का जो है ना वो एकदम संदिग्ध है आओ और देखो वाला है संदिष्टिक धर्म है कि भाई एकदम उसको करना है ना केवल तो बोलने के लिए नहीं है बतलाने के लिए नहीं है जानने के लिए उस इसलिए देखिए जानना, जानना, जानना भी जानना अभी जानना कई शब्द है जानने में उसको एकदम साक्षात करना है उसको अंतर्बोध करना है तभी वो कल्याणकारी होगा इसलिए कहा बुद्ध ने संपापा वेरमणि लापा की बातें नहीं करना है ये सब नहीं। आप सही का? आत्मा है कि नहीं है क्या लेना देना पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता क्या लेना देना इस जन्म को तो सुधार लो इस जन्म जब हमारा सुधर जाएगा तब तो अगला जन्म होगा कि नहीं होगा हम खुद जानने लगेंगे तो यही बात है इसलिए इस सब कचरे में पढ़ना चाहिए बिल्कुल सही सही बताया सर सही बताया अपन अच्छे काम में करते रहे जब समझ आएगी समझ आएगी नहीं आई तो छोड़ देंगे बराबर राइट राइट आशावादी बनिए नीतीश जी आशावादी बनिए निराशावादी नहीं निराशावादी नहीं बनना चाहिए रितेश सामाजी रितेश सामाजी मैं दिल्ली से सीएम पीपल हूँ और थोड़ा, थोड़ा सा हाँ सी पिपल दिल्ली से मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा जो धम्मा पढ़ते हैं उसका बड़ा गहराई से पढ़ते जाइए और जितना जितना आप गहराई से पढ़ेंगे आपको मिलेगा आचार्य जी ने बताया प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी ने हाँ, प्रसाद रमेश प्रसाद जी ने बोला कीतीता एच बुद्धा अनागता पचपन ना चाहे बुद्धा हम बंदा सब बुद्ध तो हुए हैं और होते रहेंगे तो पुनर्जन्म का कभी अगर कभी मौका मिलेगा तो इस पुनर्जन्म के ही ऊपर बुद्ध की गाथा है लेकिन इस वक्त में समय अभाव के कारण आपको नहीं बोल पाऊंगा लेकिन मैं भी प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का बहुत अपनी ओर से कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे समय में हमें भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्यों के ऊपर प्रकाश डाला ज्ञान दिया मेरी ओर से भी प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को भी बहुत-बहुत साधुवाद धन्यवाद सर हां जी साधु मुझे अपना फोन नंबर भेजिए स्वामी यस सर यस यस सर यू गिव मी योर फोन नंबर अदर पीपल आई विल कांटेक्ट या राइट हां हां यस यस एन ट्रिपल साहब जो है वो बैगडैंडिक है साइंटिस्ट हैं हाँ, हाँ, मैं ने, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड तो काइंडली लेट अस नो योर अबाउट कांटेक्ट नंबर सो दैट वी मे कांटेक्ट ईच अदर यस सर यस यस आई विल शेयर सर आई विल पिक इन इन द चैट यस यस ओके ये ये थैंक यू सर थैंक यू सो मच पीपल जी Okay, moving on. The Deepak, do you want to unmute yourself? You have a question, right? Yeah, thanks, ma'am. Uh, thank you, sir. आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और सरल शब्दों में हमको समझाया बुद्धा का ज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद uh, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे कि आज के दिन क्या ये प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में और दूसरा प्रश्न मैं आईटी में हूँ तो मोस्टली कस्टमर क्लाइंट को मैनेज करने के लिए हमको प्रोजेक्ट uh, रिपोर्ट और ये सब जो देते हैं उसमें मैनिपुलेशन करना ही पड़ता है जिसमें ऑब्वियसली झूठ का इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ विच वी कांट इग्नोर और फिर अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँ तो मेरी आजीविका इम्पैक्ट होगी उससे मेरा परिवार इम्पैक्ट होगा तो हाउ टू डील विथ ऑल दिस आई मीन हमें ना हमें नहीं लगता है सर आप जो कह रहे हैं ना अगर सत्य पर सत्य बड़ा सत्य बहुत बड़ा चीज है सर अगर आप अगर सत्य पर चलेंगे अब देखे आधा आधा नहीं चलना जीना हो तो पूरा जीना मरना हो तो पूरा मरना बहुत कठिन है इस जीवन में आधा जीना आधा मरना आप सोचेंगे कि हमारे लाभ के लिए तो हम झूठ बोल दें दूसरे के लिए आप करें वो चीज नहीं है अगर सत्य का आप आधार ले रहे तो पूरा सत्य बोले ऐसा बहुत समझेगा आई ना कल समझेगा वो औ, औ, वो जो देखता है कि सत्य कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है आप सत्य का सहारा ले बहुत आगे जाएंगे आप का सहारा लेके बहुत आगे नहीं जा सकते है ना संभव कुछ ठनिक लगता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाएगा सत्य का सहारा ले वो आपका जो प्रकृति है ना वो आपके साथ जुड़ जाएगी आप सत्य सहारा लेकर के तो देखें अंदर की शक्ति आपके साथ चलेगी दूसरी जो जो उसके बॉस जिससे आप डर रहे ना वो उस वो उसके दिल को छुएगा वो बात वो समझेगा। वो समझेगा हार नहीं पहुंचाएगा ना हमें नहीं लगता है तो आप कहते हैं कि ये पूरे एप्लीकेबल है प्रिंसिपल आज की डेट में भी बिल्कुल बिल्कुल पूरी एप्लीकेबल है लेकिन वही क्या है ना लोग अप्लाई नहीं करता है और अप्लाई करना सोचता है कि आज एक बोल बोल दिए सत्य अब हजार झूठ रहे हैं तो हजार झूठ नहीं ना सत है तो सत्य की राह पर चलेंगे ना सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो उसका फल मिलेगा फल बहुत मीठा मिलेगा हो सकता है थोड़ा विलंब हो थोड़ा सा हो लेकिन उसका फल बहुत स्वादिष्ट है एकदम अपल है बुद्ध का तो यही तो है बुद्ध का पूरा सिद्धांत ही अप्लीकेबुल है आज जितना अधिक अप्लाई कीजिए जीवन में उतना ज्यादा कल्याणकर है सुखपर्द है लेकिन सर ऐसी कंडीशन आती कि जहां बोलना नहीं मतलब अवॉइड करना है तो मतलब अगर अवॉइड कर दे रहे। मौन रहे ना तो मौन भी तो कहते हैं बुद्ध बुद्ध मौन रह जाए हाँ मौन में रह जाए रह जाए ना, ना जहां ना बोलना हो तो जोड़ी जोड़ी है बोलना ना बोले मौन रहे नहीं सर आईटी में तो बात ही करना रहता <laughs> <थाकी>। <laughs> तो नहीं नहीं है इज़ कम्युनिकेशन तो 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 वो पकड़ में तो, तो गलत बोलने के नहीं है पहले ही बोलूंगा मेरी जगह दूसरा आके वो मैनेज करेगा प्रोजेक्ट को दे शो डेफिनेटली बट जस्ट थिंकिंग लाउड की आदि सर, है का। समय सर, तो तो हर समय प्रासंगिक है सर हर समय प्रासंगिक है अगर context? आप चल चल कर तो देखे सर बुद्ध का जो तो आचन पठान है चल कर देखें सर अगर नहीं आप अगर आपको लाभ मिलेगा तब तो हमसे कहिएगा लाभ एकदम मिलेगा लेकिन आधा आधा में नहीं चलेगा सर पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ेगा मेरा ऐसा मानना है सर डेफिनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के जमाने में ये चीजें इफ यू फॉलो एंड इफ यू अप्लाई तो यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस यू विल बी मतलब आप अलग हो फिर आप समाज से अलग हो फिर क्योंकि समाज क्या है इंसानों से ही बनता है करेक्ट और जी, जी. आप उस समाज से अलग हटके जा रहे हो कहीं और फिर देन यू विल बी आउट ऑफ नहीं सर समाज आपको पहचानेगा सर ऐसा नहीं है समाज पहचानेगा समझ जानेगा हो सकता है पहले उसको लग रहा है झूठ बोल रहा है बेकार है ये है इसलिए कहना कुछ समय लगेगा लग सकता है थोड़ा समय लेकिन वो ऐसा नहीं है उस लेकिन फिर समझाने का एक तरीका भी होना चाहिए आप सत्य बोले उसके साथ साथ बताएं के इसी, नहीं इसी सर, हैं। लेकिन सर ये जो, मतलब पंद्रह मतलब तो तो मतलब जो अदर ग्रुप थे उनको मतलब गलत भी था तो अपोज किया था जब लेकिन बुद्ध को छोड़ना पड़ा और इतने समस्याएं से जाना पड़ा कि पूरा त्याग करना पड़ा जबकि बहुत चीजें ऐसी रहती है कि ग्रुप में अगर हम सत्य बोले तो जो अपोजिशन रहता है जस्ट टू प्रोटेक्ट देम देम हाइड दें। मतलब ये जो बोल रहे हैं ना इंटरनली ये चलता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हम तो सिद्धार्थ गौतम जैसे रहते भी नहीं तो हमारी इच्छा वो सबको छोड़ना पड़े या पूरा ग्रुप हमारे अपोज में काम करे मतलब ये अभी भी हो सकता है ऐसा मैं इनडायरेक्टली मतलब मेरे तरफ से तो ज्यादा सच ही निकला लेकिन Uh, कभी हुआ तो मैं दूसरी जगह चले गया ये सब एडजस्ट करते रहा तो मेरे को कभी कुछ लगा नहीं लेकिन ये जो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई कर सकता है वो अदर ग्रुप अरे हमारा हमने जो गलतियां की है ये सबको बता देगा तो हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा कैसा छुपा सकते हैं वगैरह ये इनडायरेक्टली जो ट्राइंग टू तो हाइड मेरे को जैसा लग रहा है मतलब देखा है मैंने भी कई धीरे धीरे सर करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हो जाएगा होता है सर धीरे धीरे करेंगे तो होता है हाँ जैसे ऐसा यूनिवर्सिटी में हमने हम, हम तो सर ए, ए, ये जो है जिस यूनिवर्सिटी में मैं बढ़ रहा हूँ तो संस्कृत यूनिवर्सिटी है जानते ही है तो ब्राह्मणों का यूनिवर्सिटी है लेकिन हमें कभी आ, आ, मैं झूठ का सहारा नहीं लेता मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सर मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन यही है कभी कभी हम बुरा कहा मानते हैं लोग थोड़ा सा उस क्षण के लिए जरूर बुरा उसके लगता है लेकिन मैं डायरेक्ट बोलता हूँ जो चीज बोलना रहता है सामने बोलता हूँ लेकिन आप लोग जान भी गए हैं तो जान गए तो और सम्मान ज्यादा कर रहे हैं बाकी लोगों से ऐसा नहीं है वो समय थोड़ा लगता है उसको लगता है कि बोले ये कर रहा है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना चाहिए प्रयास करना चाहिए हमें तो ये लगता great, है ग्रेट थैंक यू सर थैंक्स थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स बहुत बहुत धन्यवाद Please raise your hands. Okay, I think we are good to go so uh, Ramesh uh, Saji, Ramesh, thank you so much for coming on board. I on behalf of Anna uh, would like to thank you for uh, giving us your precious time and also sharing your wisdom with us. It was really really insightful and very very helpful to everyone. So thank you so much for coming on board um, If you could share your contact uh, with everyone here that would be great. So if anyone needs to reach out to you, they can do that in person directly. So up, uh,